अध्याय 39 ईशा छत चिन्ह धारिणी के कैथोलिक संत टेरेसा नायमन। भारत लौट आओ, 15 वर्षों तक मैंने धीरज के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा की है। शीघ्र ही मैं शरीर त्याग कर अनंत धाम चला जाऊंगा। योगानंद चले आओ। एक दिन जब मैं माउंट वॉशिंगटन स्थित अपने आश्रम में ध्यान कर रहा था, तब अचानक आश्चर्यजनक रूप से श्री युक्तेश्वर जी की आवाज मुझे अपने अंतर में सुनाई दी। 10,000 मील की दूरी को पलक झपकते ही मारकर उनके संदेश ने बिजली की भांति मेरे अंतर में प्रवेश कर लिया। 15 वर्ष, हाँ, मुझे ऐसा एहसास हुआ यह सन 1935 है। मैंने अमेरिका में अपने गुरुदेव की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए 15 वर्ष बिता दिए हैं। अब वे मुझे वापस बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने अपना यह अनुभव अपने एक प्रिय मित्र जेम्स जेलिन को बताया। प्रतिदिन क्रियायोग के अभ्यास से उनकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी हो गई थी कि मैं प्रायः उन्हें संत लिन कहता हूँ। उनमें तथा दूसरे अनेक पाश्चात्यों में बाबा जी की उस भविष्यवाणी की पूर्ति देखकर मैं अत्यंत आनंदित होता हूँ कि प्राचीन योग मार्ग के माध्यम से पाश्चात्य जगत में भी ईश्वर साक्षात्कारी संत पैदा होंगे। श्री लिन ने उदारता पूर्वक मेरी यात्रा के व्यय का सारा भार उठाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार पैसे की समस्या हल होते ही मैंने जहाज से यूरोप होते हुए भारत जाने की तैयारी की। मार्च 1935 में मैंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को चिरस्थायी बनाने के लिए उसे कैलिफोर्निया राज्य के कानून के अंतर्गत एक धर्मनिरपेक्ष अलाभार्जक संस्था के रूप में पंजीकृत करा लिया। मेरे पास अपना जो कुछ था वह सब अपनी पुस्तकों के सर्वाधिकारों सहित मैंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को दान कर दिया। दूसरी अधिकांश धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की तरह ही सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप भी अपने सदस्यों एवं अन्य लोगों के दान पर चलती है। मैंने अपने शिष्यों से कहा, मैं वापस आऊंगा, अमेरिका को मैं कभी नहीं भूलूंगा। लॉस एंजलिस में मेरे मित्रों द्वारा मुझे दिए गए विदाई भोज के दौरान मैं लंबे समय तक उनके चेहरे निहारता रहा। मेरे मन में कृतज्ञता से ओतप्रोत विचार आया, हे प्रभु, जो आपको ही एकमात्र दाता मानकर स्मरण करता है, उसके लिए मानवों के बीच कभी मित्रता की मधुरता का अभाव नहीं हो सकता। न्यूयॉर्क से मैं 9 जून 1935 को यूरोपा नाम के जहाज पर सवार होकर चल पड़ा। मेरे साथ दो शिष्य थे, एक मेरे निजी सचिव सी रिचर्ड राइट और दूसरे सिनसिनाटी की एक वृद्ध सी महिला। न्यूयॉर्क से मैं 9 जून 1935 को यूरोपा नाम के जहाज पर सवार होकर चल पड़ा। मेरे साथ दो शिष्य थे, एक मेरे निजी सचिव श्री सी रिचर्ड राइट और दूसरे सिनसिनाटी की एक वृद्ध सी महिला। मिस एटी ब्लेच विगत सप्ताहों की अतिव्यस्तता और भागदौड़ के बाद समुद्र यात्रा के शांतिपूर्ण दिन बड़े सुहावने लग रहे थे, पर यह शांति अल्पकालिक ही रही। आधुनिक जहाजों की तेज गति के कुछ खेदजनक पहलू भी हैं। अन्य उत्सुक पर्यटकों की भांति ही हम लोग भी विशाल और प्राचीन महानगरी लंदन में घूमे। लंदन पहुंचने के दूसरे दिन मुझे कैक्सटन हॉल में एक विशेष सभा को संबोधित करने का निमंत्रण मिला। इस सभा में व्याख्यान शुरू करने से पहले सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने लंदन के श्रोताओं को मेरा परिचय दिया। हमने सर हैरी लॉडर के अतिथि बनकर उनके स्कॉटलैंड के एस्टेट में एक दिन आनंद में बिताया। कुछ दिन बाद हम लोग इंग्लिश चैनल को पार कर यूरोप महाद्वीप पहुंचे, क्योंकि मैं बवेरिया की एक विशेष तीर्थ यात्रा करना चाहता था। मैंने विचार किया कि कोनर स्त्रुत की महान कैथोलिक संत टेरेसा नायमन से मिलने का यही एकमात्र अवसर मुझे मिल सकता है। कई वर्ष पहले मैंने टेरेसा नायमन के बारे में एक आश्चर्यजनक लेख पढ़ा था। उस लेख में उनके बारे में जो जानकारी दी गई थी वह इस प्रकार थी। टेरेसा नायमन का जन्म 1898 में गुड फ्राइडे के दिन हुआ था। जब वे 20 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में वे अंधी हो गईं और साथ ही उन्हें पक्षाघात भी हो गया। द लिटिल फ्लावर के नाम से सुविख्यात लिसोन की संत टेरेसा की कृपा से 1923 में उनकी दृष्टि चमत्कारिक ढंग से वापस आ गई। बाद में टेरेसा नायमन का पक्षाघात भी ठीक हो गया। 1923 से ईश्वर के प्रसाद रूप में चर्च से दिए जाने वाले छोटे से वेफर के अतिरिक्त टेरेसा नायमन ने अन्न जल का पूर्ण परित्याग कर दिया है।
1926 में टेरेसा नायमन के माथे पर छाती तथा हाथ पांवों पर ईसा मसीह के पवित्र घाव प्रकट हो गए। सूली पर चढ़ाए जाने से पूर्व और सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान ईसा मसीह को जो यातनाएं दी गई उन सब यातनाओं को वे प्रति शुक्रवार को अपने शरीर में अनुभव करती हैं। टेरेसा नायमन को केवल अपने गाँव की सरल जर्मन भाषा ही आती है, परंतु शुक्रवार के इन अनुभवों के दौरान भावावेश में वे कुछ ऐसे वाक्यों का उच्चारण करती हैं जिन्हें विद्वानों ने प्राचीन फिलिस्तीनी भाषा के रूप में पहचाना है। अपने इस दिव्य दर्शन के दौरान उचित अवसरों को वे हिब्रू या यूनानी भाषा भी बोलती हैं। चर्च के अधिकारियों की अनुमति से कई बार नायमन को वैज्ञानिक निरीक्षण में भी रखा गया। प्रोटेस्टेंट जर्मन समाचार पत्र के संपादक डॉक्टर फ्रिट्ज गार्लिक इस कैथोलिक पाखंडी का भंडाफोड़ करने के लिए कोनर स्त्रोत गए थे, पर मन में श्रद्धा लिए लौट आए और उन्होंने उनका पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जीवन चरित्र लिख डाला। हमेशा की तरह मैं किसी संत से मिलने के लिए लालायित रहता था, चाहे मैं पूर्व में रहूं या पश्चिम में। जब हम लोग 16 जुलाई को कोनर स्त्रोत पहुंचे तो मैं आनंद से पुलकित हो उठा। बवेरियाई किसानों को हमारी फोर्ड कार, इसे हम लोग अमेरिका से अपने साथ लाए थे और उसमें बैठे अलग अलग प्रकार के लोगों, एक युवा अमेरिकन पुरुष, एक प्रौढ़ महिला और कोट के कॉलर के नीचे अपने लंबे केशों को दबाए एक श्याम वर्णीय भारतीय को देखकर काफी कुतूहल हो रहा था। टेरेसा नायमन का घर साफ सुथरा था। घर के पास ही स्थित पुराने कुएं के पास सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, परंतु अफसोस घर बंद और सुनसान था। पड़ोसियों और उस समय पास से गुजर रहे पोस्टमैन को भी जानकारी नहीं थी कि इतने में वर्षा भी होने लगी। मेरे साथियों ने लौट चलने की राय दी। नहीं, मैंने दृढ़ता के साथ कहा, जब तक टेरेसा नायमन के पास पहुंचने का कोई न कोई सूत्र मेरे हाथ नहीं लगता, मैं यहां से हिलने वाला नहीं। 2 घंटे बाद भी हम उस बेजार करती वर्षा में अपनी कार में ही बैठे रहे। मैंने शिकायत भरा निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान, यदि उन्हें यहाँ नहीं होना था तो आप मुझे यहाँ तक नहीं लाए, तक लाए ही क्यों? इतने में एक अंग्रेजी भाषी व्यक्ति हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसने नम्रता पूर्वक अपनी सहायता प्रदान की। उसने कहा, मैं निश्चित तो नहीं जानता कि टेरेसा नायमन कहाँ है, परंतु वे प्रायः ही यहाँ से 80 मील दूर आइकोस्टॉट विश्वविद्यालय में वहाँ के विदेशी भाषाओं के प्रोफेसर फ्रांज वुड्स से मिलने जाती हैं। दूसरे दिन सुबह हम लोग कार से छोटे से शांत नगर आइकोस्ट में जा पहुंचे। डॉक्टर वुड्स ने प्रेम पूर्वक अपने घर में हमारा स्वागत किया। हाँ, टेरेसा नायमन यही है। उन्होंने टेरेसा नायमन के पास संदेश भेजा कि कोई उनसे मिलने आए हैं। संदेश ले जाने वाला शीघ्र ही उनके उत्तर के साथ वापस आया। यूं तो बिशप ने मुझे उनकी अनुमति के बिना किसी से मिलने के लिए मना किया है, परंतु भारत के संत से मैं अवश्य मिलूंगी। उनके इन शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया। डॉक्टर वुड्स के पीछे पीछे मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के बैठक खाने में गया। टेरेसा नायमन तुरंत ही वहां आ गई। उनसे शांति और आनंद निसृत हो रहा था। उन्होंने काला गाउन और सफेद मस्तक का वरण धारण कर रखा था। उनकी आयु इस समय 37 वर्ष की थी, परंतु वे उससे काफी कम उम्र की दिख रही थी। उनके चेहरे पर एक शिशु सुलभ मोहकता और फुल्लता झलक रही थी। स्वस्थ सुगठित शरीर, गुलाबी गाल और आनंदी स्वभाव, और यह वो संत है जो सदा निराहार रहती है। टेरेसा नायमन ने अत्यंत सौम्यता के साथ मुझसे हाथ मिलाया। एक दूसरे को ईश्वर प्रेमी के रूप में पहचानते हुए हम दोनों ने मुखों पर मौन मिलन की मृदु मुस्कान खेल रही थी। टेरेसा नायमन ने अत्यंत सौम्यता के साथ मुझसे हाथ मिलाया। एक दूसरे को ईश्वर प्रेमी के रूप में पहचानते हुए हम दोनों के मुखों पर मौन मिलन की मृदु मुस्कान खेल रही थी। डॉक्टर वुड्स ने कृपा पूर्वक दुभाषीय का काम किया। जब हम लोग बैठ गए तो मेरे ध्यान में आया कि टेरेसा नायमन कुतूहल के साथ अपनी भोली भाली नजर से मुझे देख रही थी। स्पष्ट था कि बवेरिया में हिंदू कभी कभी ही दिखाई देते थे। क्या आप कभी कुछ नहीं खाती? मैं स्वयं उनके मुख से सुनना चाहता था। नहीं, प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर एक होस्ट के अलावा मैं कुछ नहीं खाती। यह होस्ट कितना बड़ा होता है? वह कागज के समान पतला और छोटे सिक्के के आकार का होता है। फिर उन्होंने कहा, मैं उसे केवल ईश्वर के प्रसाद के रूप में लेती हूँ। यदि वह ईश्वर को अर्पण किया हुआ ना हो तो मैं उसे नहीं निगल सकती। आप केवल उसी पर 12 वर्षों तक तो जीवित नहीं रह सकती। मैं ईश्वर के प्रकाश से जीवित रहती हूँ। कितना सरल उनका उत्तर था, बिल्कुल आइंस्टीन की तरह। मैं समझता हूँ
आपको यह ज्ञान है, आपके शरीर में प्राण शक्ति आकाश सूर्य और हवा से आती है। तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। बड़ी खुशी हुई यह देखकर कि आप जानते हैं कि मैं कैसे जीवित रहती हूँ। आपका पवित्र जीवन ईसा मसीह द्वारा कहे गए उस सत्य वचन की अभिव्यक्ति है कि मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहेगा, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवित रहेगा। मेरी इस स्पष्टीकरण से वे पुनः खुश हो गई। सचमुच ऐसा ही है। आज इस पृथ्वी पर मेरे जीवित रहने का एक कारण यह सिद्ध करना भी है कि मनुष्य केवल अन्न से नहीं बल्कि ईश्वर के प्रकाश से जीवित रहता है। क्या आप दूसरों को भी अन्न के बिना जीवित रहना सिखा सकती हैं? ऐसा प्रतीत हुआ कि इस प्रश्न में उन्हें कुछ आघात सा लगा। मैं नहीं कर सकती, ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है। जब मेरी दृष्टि टेरेसा नायमन के मजबूत सुंदर हाथों पर पड़ी तो उन्होंने प्रत्येक हाथ के पिछले हिस्से में बना हाल ही में भरा एक एक वर्गाकार घाव दिखाया। प्रत्येक हथेली पर भी हाल ही में भरा अर्धचंद्राकार घाव दिखाया। इनमें से प्रत्येक घाव हाथ के आर पार था। यह दृश्य देखकर मुझे लोहे की चौकोर लंबी लंबी कीलों का स्मरण हो आया, जिनका सिरा अर्धचंद्राकार होता है। इन कीलों का पौर्वात्य देशों में अभी भी उपयोग होता है, पर पश्चिम में कहीं मैंने ऐसे कीले नहीं देखी। तत्पश्चात टेरेसा नायमन ने हर सप्ताह में आने वाले अपने उन अनुभवों के बारे में मुझे कुछ बताया। एक असहाय दर्शक की भांति मैं ईसा मसीह की सारी वेदनाओं को देखती रहती हूँ। प्रत्येक सप्ताह में गुरुवार की मध्यरात्रि से लेकर शुक्रवार के दोपहर 1 बजे तक के लिए उनके घावों के मुंह खुल जाते हैं और उनसे रक्त बहता रहता है। इस प्रक्रिया में उनके 121 पाउंड के वजन से 10 पाउंड वजन कम हो जाता है। अपने सहानुभूतिपूर्ण प्रेम में अत्यंत तीव्र यातना सहते हुए भी टेरेसा नायमन अपने प्रभु के इन साप्ताहिक दर्शनों की आतुरता से प्रतीक्षा करती रहती हैं। उसी क्षण मेरी समझ में आ गया कि नए नियम न्यू टेस्टामेंट में वर्णित ईसा मसीह के जीवन और क्रॉस पर उनकी मृत्यु की ऐतिहासिक सत्यता के बारे में सभी ईसाइयों में विश्वास की पुनः प्रतिष्ठा करा देने और गैलीली के उस महान संत ईसा मसीह तथा उनके भक्तों के बीच अमर संबंध का रोमांचक प्रदर्शन करने के लिए ही ईश्वर ने टेरेसा नायमन के विलक्षण जीवन का सृजन किया है। फिर प्रोफेसर वुड्स ने संत टेरेसा नायमन के विषय में अपने कुछ अनुभव बताए। उन्होंने कहा, टेरेसा सहित हम कुछ लोग प्रायः कई दिनों तक जर्मनी में दृश्यावलोकन के लिए यात्रा करते रहते हैं और मजा देखिए, टेरेसा नायमन कुछ भी नहीं खाती। हम सब दिन में 3 बार भरपूर भोजन करते हैं। वे सदा गुलाब के फूल की तरह तरोताजा रहती हैं। थकान उन्हें छूती भी नहीं। हम बाकी लोगों को जब भूख लगती है तो हम रास्ते किनारे होटलों को ढूंढने लगते हैं और टेरेसा नायमन दिल खोलकर हंसती रहती हैं। और इसके साथ प्रोफेसर ने उनकी शारीरिक अवस्था के बारे में एक दिलचस्प बात बताई। टेरेसा नायमन कुछ भी नहीं खाती, इसलिए उनका पेट सिकुड़ गया है। मलमूत्र उनके शरीर में तैयार ही नहीं होता, परंतु उनके पसीने की ग्रंथियां काम करती हैं, इसलिए उनकी त्वचा हमेशा नरम और दृढ़ रहती है। विदा लेते समय मैंने टेरेसा नायमन से उनके उस अनुभव के समय उपस्थित रहने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने शालीनता पूर्वक कहा, हाँ हाँ, अपनी शुक्रवार को कृपया आप कोनर स्त्रोत आइए, बिशप आपको अनुमति दे देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे मिलने यहाँ आइकोस्टार्ट तक आए। टेरेसा नायमन ने हाथ मिलाकर कई बार हिलाया और हम लोगों को बाहर छोड़ने गेट तक आई। श्री राइट ने कार का रेडियो चालू कर दिया। टेरेसा नायमन उत्साह के साथ हंसते हुए उसे चारों ओर से देखने लगी। वहां बच्चों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि टेरेसा नायमन फिर घर के अंदर चली गई। हमने उन्हें एक खिड़की में खड़े देखा। वहां से वे हमारी ओर देखकर बच्चों की तरह हाथ हिला रही थी। दूसरे दिन टेरेसा नायमन के दो भाइयों से भेंट हुई। दोनों ही अत्यंत भद्र और मिलनसार हैं। उनके साथ बातचीत से पता चला कि टेरेसा नायमन रात में केवल 1-2 घंटे ही सोती हैं। शरीर में इतने सारे घाव होने के बावजूद वे सतत सक्रिय और उत्साह से भरपूर रहती हैं। उन्हें पक्षियों से अत्यंत प्रेम है। एक जलाशय की मछलियों की भी वे देखभाल करती हैं और प्रायः अपने बगीचे में काम करती रहती हैं। उनका पत्र व्यवहार भी काफी बड़े पैमाने पर चलता रहता है। कैथोलिक लोग उन्हें प्रार्थना और रोग निवारण की खातिर आशीर्वादों के लिए लिखते रहते हैं। अनेक साधक उनके आशीर्वाद से गंभीर बीमारियों से ठीक हो गए हैं। उनके 23 वर्षीय भाई फर्डिनांड ने बताया कि उनमें प्रार्थना के माध्यम से दूसरों के रोग अपने शरीर में लेकर भोगने की शक्ति है। एक बार टेरेसा नायमन के चर्च के एक आदमी को गले का कोई रोग हो गया था। वह पादरी बनने की तैयारी कर रहा था। उस समय टेरेसा नायमन ने प्रार्थना की कि उस युवक के गले का रोग उनके अपने गले में आ जाए। बस उसी समय से उन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया है।
शुक्रवार की दोपहर को हम लोग कार से बिशप के घर गए। बिशप महाशय ने मेरे लंबे बालों के कुछ विस्मय से देखा। उन्होंने तुरंत हमें आवश्यक अनुमति पत्र लिखकर दे दिया। इसके लिए कोई शुल्क नहीं था। चर्च ने यह जो नियम बना दिया था वह केवल टेरेसा नायमन को साधारण यात्रियों की भीड़ से बचाने के लिए था, क्योंकि आरंभ के वर्षों में दर्शक हजारों की संख्या में शुक्रवार को कोनर स्त्रुत में जमा हो जाते थे। हम कोनर स्त्रुत में शुक्रवार को सुबह करीब 9:30 बजे पहुंचे। मैंने देखा कि टेरेसा नायमन के घर की छत के कुछ हिस्से में शीशा लगा हुआ था ताकि उन्हें भरपूर प्रकाश उपलब्ध हो। यह देखकर हमें खुशी हुई कि अब की बार घर का दरवाजा बंद नहीं था बल्कि सहर्ष स्वागत करने के अंदाज में पूर्ण खुला था। हम लगभग 20 अन्य लोगों की कतार में खड़े हो गए। उन सबके पास भी अनुमति पत्र थे। कई तो उस भावावस्था को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आए थे। प्रोफेसर के घर में मेरी पहली परीक्षा में टेरेसा नायमन उत्तीर्ण हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंतर्ज्ञान से जान लिया था कि मैं केवल कौतूहल की शांति के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक कारणों से उन्हें देखना चाहता था। मेरी दूसरी परीक्षा इस बात से संबंधित थी कि सीढ़ियों से ऊपर उनके कमरे में जाने से पहले उनके मन में चल रहे विचार जानने के लिए और उनकी अंतर्दृष्टि को दिखने वाले दृश्य देख पाने के लिए मैंने एक यौगिक भावावस्था में प्रवेश कर लिया, जिससे उनके अंतर्जगत के साथ मेरा संबंध जुड़ गया। फिर मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया जो दर्शकों से भरा हुआ था। टेरेसा नायमन एक पलंग पर सफेद परिधान में लेटी हुई थी। श्री राइट मेरे ठीक पीछे ही थे। कमरे का विलक्षण और भयंकर दृश्य देखकर मैं दरवाजे की चौखट के पास ही विस्मयचकित होकर खड़ा रहा। टेरेसा नायमन की निचली पलकों से रक्त की लगभग 1 इंच चौड़ी धार लगातार बह रही थी। उनकी आंखें ऊपर की ओर उठकर ललाट के मध्य में स्थित आध्यात्मिक चक्षु पर लगी हुई थी। उनके मस्तक पर लपेटा हुआ वस्त्र कांटों के ताज से हुए घावों से निकलने वाले रक्त से लथपथ हो गया था। उनके श्वेत परिधान पर हृदय के ऊपर लाल धब्बा बन गया था। यह रक्त उनके शरीर के बाएं तरफ हुए एक घाव से निकल रहा था, जिस स्थान पर युगों पूर्व ईसा मसीह के शरीर में सैनिक ने भाला चुभोया था। टेरेसा नायमन के दोनों हाथ मातृ करुणा के आग्रही भाव में ऊपर उठे हुए थे। उनके चेहरे पर यातना की छाया और दिव्य आभा दोनों दिखाई पड़ रही थी। उनका शरीर पहले से काफी दुबला दिखाई दे रहा था और वह आंतरिक तथा बाह्य कई प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तनों से युक्त प्रतीत हो रहा था। वे धीरे धीरे किसी विदेशी भाषा में अस्पष्ट सा कुछ बोल रही थी। उनकी अतींद्रिय दृष्टि को दिखने वाले लोगों से वे किंचित कांपते होठों से बोल रही थी। क्योंकि मैंने पहले ही उनकी यातना के साथ अपना अंतर संबंध जोड़ लिया था, अतः मुझे वह सब दिखाई देने लगा जो उन्हें दिख रहा था। वे ईसा मसीह का उपहास करती भीड़ के बीच से लकड़ी का क्रॉस उठाए जाते देख रही थी। अचानक व्याकुल होकर टेरेसा नायमन ने अपना सिर ऊपर उठाया, क्योंकि ईसा मसीह नीचे गिरकर क्रॉस के भारी वजन के नीचे दब गए थे। इसी के साथ वह दृश्य लुप्त हो गया। प्रचंड करुणा और खेद के वेग से क्लांत होकर टेरेसा नायमन तकिए पर निढाल हो गई। उसी समय मुझे अपने पीछे धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए पलटकर देखा तो चित अवस्था में एक शरीर को उठाए दो आदमी बाहर ले जा रहे थे, परंतु उस समय मैं अपनी अधिचेतन भावावस्था से बाहर आ ही रहा था, इसलिए धराशायी हुए उस व्यक्ति को पहचान नहीं सका। मैंने फिर से अपनी दृष्टि टेरेसा नायमन के चेहरे पर स्थित की। रक्त धाराओं में डूबा वह चेहरा मुर्दे के समान पीला पड़ गया था, परंतु अब उस पर शांति छाई थी और पवित्रता उससे निस्सृत हो रही थी। बाद में मैंने अपने पीछे की ओर दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि श्री राइट अपने गाल पर हाथ दबाए खड़े थे और उनके गाल से रक्त निकल रहा था। मैंने चिंतित होकर पूछा, डिक, क्या तुम ही गिर पड़े थे? हाँ, वह भयावह दृश्य देखकर मुझे चक्कर आ गया था। मैंने सांत्वना देते हुए कहा, खैर, फिर से आकर वही दृश्य देखने का साहस तो तुम में है। और भी दर्शनार्थी हमारे पीछे कतार में खड़े थे। अतः श्री राइट और मन ही मन टेरेसा नायमन से विदा लेकर उनकी उपस्थिति से पवित्र हुए उस स्थान से बाहर आ गए। दूसरे दिन हम लोग दक्षिण की ओर मार्ग क्रमण करने लगे। हमें इस बात की खुशी थी कि हमें ट्रेनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा था और हम देहात में जहाँ चाहे अपनी फोर्ड कार रोक सकते थे। जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वतों में से यात्रा करते हुए हमने यात्रा के एक एक पल का पूरा पूरा आनंद लिया। इटली में हम लोग विनम्रता की साक्षात मूर्ति असीसी के सेंट फ्रांसिस का दर्शन करने के लिए विशेष रूप से गए। हमारी यूरोप यात्रा यूनान में आकर समाप्त हुई। यूनान में हम लोगों ने एथेनियन मंदिरों के दर्शन किए और वह कारागार भी देखा जहां सुकरात ने विषपान किया था। जहां वहां
सफेद लगभग अर्ध पारदर्शी से प्रतीत होने वाले पत्थर में कलाकृति करते हुए यूनानियों ने जिस प्रकार अपनी अद्भुत कल्पनाओं को साकार रूप दिया है, उसे देखकर मन उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। यूनान से हम लोग जहाज पर सवार हुए और भूमध्य सागर को पार कर फिलिस्तीन में उतर गए। उस पवित्र भूमि में कई दिनों तक रोज भ्रमण करते। तीर्थयात्रा के महत्व का मुझे और भी अधिक एहसास हो गया। सूक्ष्मग्राही हृदय के लिए फिलिस्तीन में ईसा की महिमा सर्वत्र व्याप्त है। मैंने श्रद्धा भाव से ईसा मसीह के साथ बैथलहम, गतसमनी, कैलवरी, पवित्र माउंट ऑफ ऑलिव्स की पदयात्रा की तथा जॉर्डन नदी तथा गैलीली के समुद्र के तटों पर चला, जहाँ ईसा का जन्म हुआ था। वह नाथ जोसेफ की बढ़ई की दुकान, लाजारस की कब्र, मार्था और मेरी का घर, ईसा के अंतिम भोज का कमरा, इन स्थानों के भी हम लोगों ने दर्शन किए। वह प्राचीन काल सजीव हो उठा युग युग युगांतर के लिए ईसा मसीह द्वारा वहां अभिनीत किए गए दिव्य नाटक के दृश्य पर दृश्य मेरी दृष्टि के सामने प्रकट होने लगे। अब मिस्र, उसका आधुनिक शहर कैरो और प्राचीन पिरामिडों को हमने देखा, फिर जहाज से लाल सागर को पार करते हुए विशाल अरब सागर में और सीधे भारत।